हिडन स्पॉट पे जो कि आपको कहीं पे भी मार्केट से मिलेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन काफ़ी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं क्रोएशिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड जिसका नाम है डुगी ओटक। ये आइलैंड काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। वहाँ पे जाने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। एंड आज हम फेरी लेने वाले हैं जडार सिटी से और सीधा जाएंगे आइलैंड पे, और आइलैंड पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ क्योंकि काफ़ी सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस आपको देखने को मिलने वाली है इस आइलैंड पे। चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी हम है जडार के पोर्ट पे जिसका नाम है गाजेनिका। यहीं से आपको फेरी मिलेगी जो कि जाएगी डुगी ओटक, और ये फेरी का जो टिकट है आप ऑनलाइन ले सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी ऑफलाइन टिकट भी आप काउंटर से खरीद सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन टिकट खरीदना है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एक दिन पहले यहाँ पर आइए और ये टिकट आप खरीदिए क्योंकि हो सकता है फेरी फुल हो, आपको टिकट ना मिले, तो एक दिन पहले ज़रूर आप टिकट खरीदिए। और यहाँ से अभी हम जाएंगे डुगी ओटक फेरी से, देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा एक्सपीरियंस होता है आज का हमारा। चलते हैं। अभी हम है सकारून बीच जो कि डुगी ओटक में है, और ये काफ़ी फेमस बीच है यहाँ का, काफ़ी क्लीन बीच है और काफ़ी कम लोग हैं इस बीच पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे ज़रूर आए। और अभी हम जाने वाले हैं स्विमिंग को यहाँ पे, और हमने टेंट भी लगा रखा है क्योंकि काफ़ी धूप है यहाँ पे, तो टेंट आप लेके आ सकते हैं साथ में और यहाँ पे लगा सकते हैं और उसके बाद स्विमिंग को जा सकते हैं। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं आसपास, वहाँ पे आप लंच भी कर सकते हैं। एंड देखते हैं कि इस बीच का एक्सपीरियंस कैसा है।
अभी हम पहुंचे हैं एक हिडन स्पॉट पे, जो कि आपको कहीं पे भी मार्किंग नहीं मिलेगा, बट आप गूगल मैप पे इस प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। और ये प्लेस का नाम है ड्रैगन आई केव। ये काफ़ी बढ़िया केव है और ये पानी के अंदर से है, तो हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं और उस केव को देखेंगे कि हम अंदर एंटर कर सकते हैं या नहीं। उस केव तक जाने के लिए आपको एक स्पॉट से 10 to 15 minutes थोड़ा सा स्विमिंग करके जाना होगा उस स्पॉट पे। वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये केव कैसा है। ये काफ़ी बढ़िया केव है और ये हिडन स्पॉट है, तो मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इस स्पॉट पे आइए। और यहाँ पे पहुँचने के लिए गूगल मैप की सहायता लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ है वो मार्क नहीं है इस केव के लिए, तो आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं इस केव तक पहुँचने के लिए। वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये केव कैसा है और थोड़ा स्विमिंग भी करेंगे वहाँ पे। चलते हैं। आ सकते हैं तो आप स्टे कर सकते हैं डुगी होटल में, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको 4 to 4.5 घंटे सिर्फ मिलेंगे डुगी होटल में। तो आज का हमारा सफ़र ख़त्म होता है यहीं पे।